के जो लोग आए, लाखों करोड़ों लोग आए, बंगाल के अंदर बसे मतुआ समाज और नाम शूद्र समाज के लोग हैं जो आए हैं, इसमें 70% दलित भाई बहन है, 70% से ज्यादा दलित भाई बहन है। ये जो विरोध कर रहे हैं सीएए के, उनको मैं पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए दलित भाइयों का विरोध कर आप क्या प्राप्त कर लोगे, क्या प्राप्त करना चाहते हो? और सीएए का जो विरोध कर रहा है वो दलित विरोधी है मित्रों, दलित विरोधी है, ये आप जानकर रखो। जब चुनाव के मैदान में उतरोगे, इस देश का दलित समाज बुद्ध के पुतले पर, भगवान बुद्ध के पुतले पर तोप के गोले चलाने वाले का हिसाब पूछेगा। आप किसका समर्थन करते हो मित्रों? आज मैं इस मंच से ह्यूमन राइट के चैंपियंस को भी कहना चाहता हूं कि अब आपका ह्यूमन राइट कहां चला गया? जाकर देखिए शरणार्थियों के कैंप में 70 साल से नर्क का जीवन जी रहे हैं लोग, 70 साल से ना शुद्ध पीने का पानी है, ना मकान है, ना गटर की व्यवस्था है, ना शिक्षा की व्यवस्था है, ना आरोग्य की व्यवस्था है। 70 साल, 3 पीढ़ी आ गई, उनको मत देने का अधिकार नहीं मिला, मत देने का अधिकार नहीं मिला। और आप ह्यूमन राइट की बात करते हो, अगर ह्यूमन राइट की बात करनी है तो सारे विश्व के ह्यूमन राइट के चैंपियंस को मैं कहना चाहता हूं, इनकी बस्ती में जाकर उनके घर को, उनके जीवन को देखिए, ये नर्क का जीवन जी रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, ये लाखों करोड़ों भाई हमारे जो बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए, अफगानिस्तान से आए हैं, उनको सम्मान का जीवन देने का काम करने जा रहे हैं, उनको मेरे और आपके जितना ही अधिकार इस देश में है वो नरेंद्र मोदी जी ने बिल के अंदर स्पष्ट कर दिया है। राहुल बाबा, आप क्या मानते हो कि आप भ्रम फैला दोगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे ही बहते रहेंगे? मित्रों, इन्होंने सीएए पास होने के बाद देश भर में भ्रम फैलाने का काम किया है, देश के माइनॉरिटी के लोगों को गुमराह करने का काम किया है, मुसलमान भाइयों को डराने का काम किया है। वो कहते हैं इससे मुसलमानों की, यहां के मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। राहुल बाबा, मैं आपको इस मंच पर से चैलेंज देने आया हूं कि पूरा नागरिकता कानून को पढ़िए, अगर इसकी कोई भी क्लॉज के अंदर किसी की नागरिकता लेने की बात आपको दिखाई पड़ती है तो स्थान और समय तय करिए, हमारा प्रहलाद जोशी आपके साथ चर्चा करने के लिए तैयार है।